Assalamu alaikum students. Today we are going to start a chapter in science 2, microbiology. ये chapter जो है ना एकदम simple है, कोई बड़ा concept नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा लगाने का physics में जैसा है, chemistry में जैसा है, एकदम simple chapter है बोले तो. उसका difficult part ये है ना कि इसमें नए नए concept आते हैं, simple but नए नए concept है. साइंटिफिक वर्ड है थोड़ा, बायोलॉजिकल वर्ड है थोड़ा, नए नए हैं बहुत सारे, वो चीज आते गए. बाकी चैप्टर तो एकदम सिंपल है बोले तो स्टार्ट करते खाना पकाने के से लेके एकदम जो भी कॉमन नॉलेज है उसका थोड़ा सा आप लोग यूज करते हैं. खासकर लेडीज लोग तो बहुत इंटरेस्ट लेने वाले चैप्टर में, वर्ड भी सबर कर लेंगे इंशाल्लाह. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. क्या है चैप्टर? माइक्रोब्स. माइक्रोब्स बोले तो क्या होता है बेटा? तो दिख रहे हो अभी माइक्रोब का, तो आपको जैसे बोले तो कोरोना वोना याद आ जाएगा है ना. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोब बोलते हैं, मतलब जो ऑर्गेनिज्म एकदम माइन्यूट है अपने आंख से हम लोग नहीं देख पाते उसको माइक्रोब बोलते हैं. अब जो उसमें डेंजरस होता है हमारे लिए नुकसानदेह होता है, विच इज हार्मफुल टू आवर बॉडी, इज कॉल्ड एज पैथोजन. देर आर सम माइक्रोब विच आर यूजफुल एंड देर आर सम माइक्रोब विच आर हार्मफुल. तो हम लोग इसमें जो माइक्रोब हमारे लिए यूजफुल है वो पढ़ने वाले हैं. तो माइक्रोब कैसे यूज करते हैं, कैसे पॉसिबल और यूज कर सकते हो, माइक्रोब कैसे प्रोडक्शन कर सकते है ना. माइक्रोब का वो कोई काम के लिए हमको यूज कर रहे हैं ब्रेड बनाने के लिए, अब वो स्लो स्लो इंक्रीज होगा तो कैसे उसका प्रोडक्शन और फास्ट कर दे है ना. और कौन सा माइक्रोब क्या काम के लिए आते हैं? अब कोई माइक्रोब आते हैं न्यूक्लियर गैस बहुत डेंजरस होता है उसको क्लीन करने के लिए काम आते हैं, तो वहां पे ग्रो कैसे वो फास्ट होगा. अब वो माइक्रोब्स के बारे में कैसे पता चला कि वो माइक्रोब न्यूक्लियर वेस्ट को, रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल को क्लीन करेगा, उसके बारे में रिसर्च हुआ. तो ये जो स्टडी हुआ इसके बारे में तो उसको क्या होते हैं माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है, उसके बारे में स्टडी करते हैं माइक्रोलॉजिस्ट, उसके बारे में स्टडी रिसर्च करते हैं माइक्रोब के बिहेवियर के पे, उसको कैसे यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, उसको इंडस्ट्री में और बेटर वे में अपने ह्यूमन काइंड के लिए, मैन काइंड के लिए, सोसाइटी के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, ये चैप्टर में डिटेल लिखा हुआ है ना. तो कैसे ब्रेड बनेगा, कैसे वाइन बनता है, कैसे विनेगर बनता है, कैसे कर्ड बनते हैं या फिर जिसको बोलते हैं दही, वो सब बनता है. तो ये सब के बारे में हम लोग देखने वाले हैं. तो नाइन्थ में भी चैप्टर था तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा इसके बारे में, आप नाइन्थ के चैप्टर से भी थोड़ा यूज कर सकते हैं. तो यूजफुल हार्मफुल पैथोजन ये सब क्या हम लोग पढ़े थे थोड़ा डिटेल में नाइन्थ स्टैंडर्ड में. और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एक कौन सा ब्रांच है बायोलॉजी का, इन विच वी स्टडी द एंजाइम रिलेटेड टू सम ऑफ द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक माइक्रो प्रोटीन एंड अप्लाइड जेनेटिक्स. इसको क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में गिवन प्रेफरेंस अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं. मतलब इसमें क्या पढ़ रहे हम लोग, माइक्रोब के बारे में पढ़ रहे, प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे, प्रोटीन को कैसे उसके अंदर कुछ चेंजेस दिखाते हैं, उसको प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, एंजाइम के बारे में पढ़ रहे जो हमें कहां से मिलेगा, माइक्रोब से मिलेगा, प्रोटीन से मिलेगा. एंजाइम होता है क्या? ये एक टाइप का प्रोटीन रहता है ना जो डिराइव हुआ नेचुरली, और वो हमारे बॉडी में क्या करता है, बेनिफिशियल फंक्शन करता है ना, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और इसी तरह डिफरेंट फंक्शन करते हैं. तो इसको क्या करते हैं कि स्टडी को हम लोग क्या करें, अप्लाई माइक्रोबायोलॉजी, मतलब ये माइक्रोबायोलॉजी को किस तरह से हम लोग एप्लीकेशन हमारे क्या है थ्रू माइक्रो प्रोटीन है ना, उसके रिलेटेड जेनेटिक्स में वो हो गया, उससे जो हम लोग डिराइव करेंगे एंजाइम रीजन वो अप्लाई माइक्रोबायोलॉजी होगा. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑल्सो
This study is useful for society and various products like foods and medicine are produced on large scale with the help of microorganisms. है ना, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने के लिए यूज होता है. अब ये इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी को लिखिए, चलते इंडस्ट्री में इसको बायोलॉजी रिसर्च करते यूज होता है. अब इसको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के दही बनता है अमूल का, तो थोड़ा बनता है क्या, चीज है इस तरह से, पनीर है तो थोड़ा थोड़ा बनता है क्या, लार्ज स्केल बनता है ना इंडस्ट्री में. तो उस टाइम जब माइक्रो यूज करते वहां पे इंडस्ट्री में, तो बड़े लेवल पे ताकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो, अच्छा प्रोडक्शन हो, तो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी उसको करते हैं. दिस साइंस इज रिलेटेड टू कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोब्स, है ना, कॉमर्स बेसिस पे, बिजनेस बेसिस पे, इन विच इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रोसेस. अब एनवायरमेंटल में बताया क्लीननेस के लिए यूज कर सकते हैं, गार्बेज को डिकम्पोज करने के लिए, इकोनॉमिक बिजनेस के लिए, सोशल, ये सब के लिए यूज कर सकते हैं, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए. एंड वेरियस माइक्रोबियल प्रोसेस यूजफुल फॉर दिस पर्पस आर कैरिड आउट, अलग अलग प्रोसेस यहाँ पे कैरिड आउट होता है इंडस्ट्री में. मेन फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी क्या है, कि वेरियस प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस. फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है, कि कार्बोहाइड्रेट जिसमें मिलता है ना, ग्लूकोज का सिंपल फॉर्म, वो जो प्रोडक्ट मिलता है किसमें किसमें, जिसमें आपको मीठा लगता है, जो चीज खाते उसमें थोड़ा मीठापन आता है, हल्का भी, चाहे वो पोटैटो का उसमें हल्का मीठापन आएगा, ग्रैप्स है, राइस है, तो सब में वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं. वो कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, हम लोग माइक्रोब की हेल्प से वो कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करते हैं दूसरे फॉर्म में, यूजफुल फॉर्म में. तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इथेनॉल निकलता है, विनेगर निकल सकता है, सबसे यूजफुल वे में हम यूज करते हैं, तो दिस कॉल्ड फर्मेंटेशन. ये प्रोसेस क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, है ना, कार्बोहाइड्रेट को टर्न किए किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड या उसके अलावा कुछ और बाय प्रोडक्ट कन्वर्ट किए, तो किसी हेल्प से, माइक्रोब की हेल्प से, तो उसको क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन बोलेंगे. तो ये देखो ब्रेड यूज हुआ, चीज हुआ, यहाँ पे फर्मेंटेशन, ये सब हो रहा है, वाइन है, रॉ मटेरियल सब में यूज हो रहा है, मेडिसिन ये सब में. अभी देखो यूजफुल फॉर गार्बेज मैनेजमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल. माइक्रोब क्या करते हैं, जो गार्बेज है वो कम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. अभी देखते हैं डेयरी प्रोडक्ट में, है ना, सीरियल का लोग पढ़ते जाते हैं कैसे फूड प्रोडक्ट में काम आता है. अभी एंशियंट टाइम से आपको मालूम हो कि दूध को क्या करते हैं, डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है ना. दूध ऐसे रखते हैं तो आप देखो आज से नहीं, दही खा रहे, उसका मट्ठा पी रहे, उसको घी बना रहे, उससे मक्खन बना रहे, उससे, है ना. और ये दूसरी कंट्री में भी था चीज, हमारे इंडिया में चीज जैसे, पर तो शायद मुझे नहीं लगता था, ये सब था घी बनाना, मक्का बनाना, ये सब था. लेकिन दूसरी यूरोपियन कंट्री में तो चीज ये सब, पनीर ये सब बनाने का टेक्नोलॉजी था. ये आज से नहीं, एशियन टाइम से ही. तो अभी क्या किया, हम लोग लेवल को बड़ा कर दिए और बड़े लेवल पे काम कर रहे थे. चीज बटर यागुर्ट, है ना, क्रीम, तो ये सब यूज कर रहे, केफ्री, आई डोंट नो व्हाट इज दैट केफ्री. तो उसमें क्या टेस्ट इंप्रूव हो, उसका प्रोडक्शन इंप्रूव हो, उसका फ्लेवर इंप्रूव हो जाता है, किसका, मिल्क इंप्रूव होते हैं. दिस प्रोसेस आर परफॉर्म ऑन लार्ज स्केल विद मोर स्किल. लार्ज स्केल के लिए हमें ज्यादा स्किल चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन अच्छा खासा है. प्रोडक्शन ऑफ द मॉस ऑफ द मिल्क प्रोडक्ट बैक्टीरिया इन मिल्क इटसेल्फ आर यूज्ड, ओनली चीज इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ फर्मेंट. मिल्क के प्रोडक्शन, मिल्क में जो दही कन्वर्ट होता है वो कैसे हो जाता है, तो कौन है वो जिम्मेदार, उसका ये बैक्टीरिया है जिम्मेदार है. चीज के लिए एक फंगाई होता है, वो उसके लिए क्या करता है, यूज होता है. नहीं तो ज्यादातर के लिए बैक्टीरिया, यूजफुल बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया नहीं इसमें इंक्लूड हो जाएंगे. सम बैक्टीरिया हार्मफुल है, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल है, यूजफुल है. तो ये यूजफुल बैक्टीरिया में से, है ना, लैक्टोबैसिलस क्या करता है, वो मिल्क को कार्ड में कन्वर्ट करता है या दूसरे चीज में कन्वर्ट करता है. बेसिक प्रोडक्ट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यागुर्ट चीज एंड क्रीम इज सेम.
मिल्क इज पैश्चराइज्ड, पैश्चराइज्ड मतलब इसको पहले जो मिल्क में जैसे प्रोड्यूस होता है मिल्क ना, तो आप मिल्क को गर्म क्यों करते हैं, डायरी पी लेते क्यों नहीं, क्योंकि मिल्क क्या करता है वो अट्रैक्ट करता है बहुत सारे माइक्रोब को अट्रैक्ट करता है और वो क्या बन जाता है उनके लिए दस्तखान बन जाता है ना, बिरयानी रखा हुआ वो माइक्रोब आगे उसमें ग्रो करना, क्योंकि मिल्क में न्यूट्रिएंट है फायदेमंद चीज है, तो माइक्रोब आगे उसमें ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए इसको पैस्टराइज करते हैं। पैस्टराइज मतलब कि वो जर्म्स को मार देते हैं, अब कैसे, टेम्परेचर के थ्रू या रेडिएशन के थ्रू, तो उस प्रोसेस को पैस्टराइजेशन बोलते हैं, मिल्क इज पैस्टराइज। अब याकूट बनाने के लिए, चीज बनाने के लिए सब क्या करते हैं, पहले पैस्टराइज करते हैं ताकि जो भी अनवांटेड माइक्रोब्स हैं, जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, वो सब मर जाए उसके अंदर, अगर वो रहेगा ना, तो आपने क्या किया, पैकेट बनाया दही का, अमूल वाले बनाए, अब वो पैस्टराइज के लिए चलो दो दिन रहा, तीन दिन रहा, चार दिन के बाद वो माइक्रोब ग्रो होने लगा, ग्रो होने लगा, उसके बाद वो मिल्क को खराब कर देगा या दही को खराब कर देगा। लेकिन आप देखो मिल्क के सब छः छः महीना, अमूल का जो पैकेट का आता है ना, उसको छः महीने का, वो मैं प्लास्टिक का पैकेट नहीं बोल रहा मैं, दैट इज द कार्टून पैकेट, चूँकि होमोजेनाइज्ड मिल्क जो बोला जाता है, तो छः महीने का उसका एक्सपायरी डेट रहता है, तो छः महीना दूध ऐसे बिना गर्म किए ठंडा है, मतलब अच्छा है, तो कैसे, क्योंकि वो माइक्रो फ्री है थ्रू दिस प्रोसेस। तो क्या किया पहले, पैस्टराइज के इंडस्ट्री में पैस्टराइज जैसे किए थ्रू रेडिएशन, थ्रू हीटिंग, ये सब प्रोसेस से स्टार्ट किए। अब वो जब पैस्टराइज हो गया, अब उसको दूसरी चीज के लिए, याकूट या ये सब चीज के लिए यूज करते हैं, इट इज देन फर्मेंटेड विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस, है ना। लैक्टोबैसिलस क्या है, एक टाइप का बैक्टीरिया जो कि यूजफुल है हमारे लिए, हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, सारे बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं है, ऐसे बोले अल्लाह ताला हर चीज क्या बनाए दुनिया में ना, वो ओवरऑल देखेंगे तो बेनिफिशियल है मैनकाइंड के लिए, ओवरऑल देखेंगे तो बेनिफिशियल है, कुछ भी यूजफुल नहीं है, और हर चीज दुनिया में मालूम आपको बनाए तो इंसान के यूज के लिए बनाए, अल्लाह ताला जो भी चीज दुनिया में बनाए ना वो इंसान उसको यूज करे, इसी के लिए बनाकर रखे अल्लाह ताला ने, तो वी शुड बी थैंकफुल अल्लाह ताला, इसलिए पैसे से नहीं मांगे, इतना बैक्टीरिया यूज किया गवर्नमेंट हमारे, बोले इतना अभी पैंडेमिक है और इलेक्ट्रिक का बिल क्या हो रहा है, इनकी दूर पे जा रहे हैं, जो बिल 1,000-2,000 आ रहा है, तो अभी 4,000-5,000 आ रहा है इलेक्ट्रिक का बिल, अभी यही चालू पैंडेमिक है, COVID-19 में पैसा नहीं है लोगों के पास, अब बिल इतना डबल ट्रिपल जो मन में आए दे देते हैं भाई लोग, और ये सनलाइट हम लोग यूज करते हैं उसके लिए कोई बिल नहीं आता है ना, रात में चांदनी है, सुबह में सूरज है, उसके लिए कोई बिल नहीं आता है, तो वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह तआला कि, है ना, तो अभी कोई टैक्स ये सब नहीं ले रहे, नहीं होम टैक्स है, जो दुनिया में रहने का टैक्स मिल रहा है क्या, आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट यहाँ पे जो जियोग्राफिकली हम लोग बना कर रखे, ये कंट्री है, ये कंट्री है, ये कंट्री है, अल्लाह ताला ने दुनिया में रहने के लिए कोई टैक्स नहीं लिया आपसे, लिए क्या, कभी टैक्स देते नहीं देते, पानी का टैक्स देते देते सर अली सर, अल्लाह ताला को पानी का टैक्स देते हैं हम लोग, नहीं देते ना, नहीं देते, तो फ्री है, अल्लाह ताला फ्री में देते हैं, और जो अल्लाह ताला का बारिश को यहाँ पे सप्लाई करते हैं ना, गवर्नमेंट हमें पहुंचाते हैं, तो उसका टैक्स लिया जाता है ना, हम लोग उनको वापस से टैक्स देते हैं, भाई आपने पहुंचाया, और उसमें उनको बेनिफिट भी होती है बहुत सारे, उसमें एहसान दिखाते, देखो हम लोग पानी दे रहे, ये एरिया है इनका है तो उसमें पानी कमाएगा, ये एरिया में ज्यादा पानी है, ऐसा होता है क्योंकि करप्शन है इसलिए, लेकिन अल्लाह ताला ना ही पानी का टैक्स है, ना ही लाइट का टैक्स है, ना ही हवा का टैक्स है, ना ही और नंबर ऑफ बेनिफिशियरी, जो चीज हम लोग देख नहीं सकते, हमें किसको मालूम था कि जो मिल्क है दही कैसे बनते हैं, बिकॉज ऑफ दिस लैक्टिक एसिड है ना, बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की वजह से बनता है, किसको मालूम था पहले, लेकिन वो चीज अल्लाह ताला ने रखा है ना, हमें दिखता नहीं है, और वो चीज यूज हो रहा है, हम लोग यूज कर रहे हैं, पहले 100 साल पहले किसको मालूम था कि बैक्टीरिया को कन्वर्ट कर रहे हैं, किसी को नहीं मालूम था, कन्वर्ट हो जा रहा था, ये उसमें करते थे लोग, तो वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह, हमें बहुत सी चीज मालूम है, नहीं मालूम है तब भी हमें कंटिन्यूस अल्लाह तरह का हेल्प मिल जाए। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया करता है क्या, कि शुगर में क्या होता है, नहीं सॉरी मिल्क में क्या होता है, लैक्टोज शुगर होता है ना, ये शुगर होता है, ये शुगर को ये बैक्टीरिया क्या करता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टोज शुगर को बैक्टीरिया जो कि मिल्क में है ना, मिल्क में ये लैक्टिक शुगर है, तो ये बैक्टीरिया क्या करता है ना, इसमें कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, अब जिसकी वजह से पीएच चेंज हो जाता है, लैक्टिक एसिड है, पीएच है इसका, एसिड का लैक्टिक हो गया ये, तो पीएच चेंज होने की वजह से जो मिल्क में प्रोटीन था ना, प्रोटीन क्या हो गया, कोगुलेटेड हो गया, कोगुलेटेड मतलब जमना स्टार्ट हो गया,
मिल क्या हुआ, जमने लगा। तो इसलिए हमने देखते हैं दही क्या होता है, विधायक ऑफ लैक्टिक एसिड, दही क्या होता है, जम जाता है, दूध देखो पतला होता है, दही गाढ़ा गाढ़ा होता है ना। तो क्यों होता है, ये जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन क्या हो रहा है, वो कॉगुलेटेड हो गया। किसमें प्रोटीन था, मिल्क में प्रोटीन था, वो कॉगुलेटेड हो गया। किसकी वजह से हुआ, लैक्टिक एसिड की वजह से हुआ। लैक्टिक एसिड को कौन बनाया, ये बैक्टीरिया बनाया। कहां से बनाया, लैक्टोज शुगर से बनाया, जो कि मिल्क में है। तो ये प्रोसेस था। अब यही प्रोसेस को क्या करते हैं, और अच्छे वे में है ना, इंडस्ट्री में क्या करते हैं, स्किल के साथ लार्ज प्रोडक्शन करते हैं। अब उसमें क्या किया, बेसिक कंपाउंड विद टेस्ट एंड फ्लेवर आपको फॉर्मेट अलग, थोड़ा उसमें फ्लेवर का चेंज हो जाता है, उसका फ्लेवर थोड़ा चेंज हो जाता है। अब मिल्क पिएंगे, दही के खाएंगे या बटर खाएंगे, तो जैसे बटर डी टाइम खाया था फ्लेवर ऑफ बटर, तो फ्लेवर चेंज हो जाता है और टेस्ट चेंज हो जाता है। तो बनते कैसे वो भी हम पढ़ने वाले हैं, टेस्ट फ्लेवर सब चेंज हो जाता है। यागुर्ट प्रोडक्शन देखते हैं अभी हम। यागुर्ट इज अ मिल्क प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस है ना, इनोकुलेट, मतलब ये हम लोग क्या किए, इंडस्ट्री में इसको इंक्रीज किए, नंबर को इंक्रीज किए, इसलिए इसके लैक्टोबैसिलस जो कि एक बैक्टीरिया, इसके नंबर को हम लोग ने क्या किया, इंक्रीज किया आर्टिफिशियली। तो ये हुआ। अब ये क्या करता है, फॉर मेंटेनिंग द प्रोटीन कंटेंट ना, अभी बोले कि और जब इंडस्ट्री में कर देंगे क्या करते हैं कि प्रोटीन जो कंटेंट है अगर हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो ज्यादा गाढ़ा होगा, इसलिए गाढ़ा जो जो दही है वो ज्यादा महंगा मिलता है। अब जाते ना दही लेने के लिए, बोलते ये दही गाढ़ा होना चाहिए ना, याकूट गाढ़ा होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, तो ठीक रहता तो वो ज्यादा पैसे लेते, अभी 80 रुपीज 100 रुपीज के जी है, पतला वाला है तो सस्ता मिलता है। तो हम उनको मालूम था अपने इंडस्ट्री वाले को कि भाई गाढ़ा है तो ज्यादा पैसे मिलेगा, तो गाढ़ा कैसे बनाने का, प्रोटीन की वजह से बनता है, तो प्रोटीन कहाँ से डालेंगे। हम लोग क्या करते हैं, जो मिल्क पाउडर मतलब कंटेंस होता है ना, सूखा हुआ मिल्क पाउडर मिलता है ना, सूखा मिल्क पाउडर ब्रिटानिया का, अमूल का सूखा मिल्क पाउडर, वो क्या करते हैं, वो डालते हैं इसमें, एक मिल्क विद मिल्क है ना, जो मिल्क में फर्मेंटेड होने वाला है उसमें डाल देते हैं, ताकि और ज्यादा प्रोटीन ऐड हो जाए। अब जब ज्यादा प्रोटीन ऐड हो जाएगा तो वो तो सिर्फ क्या है, प्रोटीन है ना, ये कंडेंस मिल्क है, उसके अंदर प्रोटीन ज्यादा है, पानी था नहीं, तो ये जो मिल्क बनेगा वो क्या होगा, योगर्ट प्रोड्यूस होगा, दही प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक दही, फिर उसको अच्छे रेट में बेचेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ प्रोडक्शन को डाल दिए। अभी बनता कैसे दही, तो दही को क्या करते हैं, बॉयल मिल्क को बॉयल करते हैं पहले, दही बनाने से पहले आप अम्मी लोग से पूछो, अगर इसमें एक्सपर्ट है, अगर नहीं आते तो बता दो, जो गर्ल्स लोग है ना उनको प्रोड्यूस करते हैं खाने पीने का, चेक करते हैं तो दही कैसे बनते हैं, तो पहले थोड़ा बॉयल करते हैं। बॉयल करने का वजह क्या है कि आप लोग क्या करते हैं, मैंने बताया पेस्टराइजेशन करें, पेस्टराइजेशन मतलब उसको कीड़े वीड़े पहले मार दे रहे, तो घर पे भी क्या करें, कीड़े वीड़े मार दे रहे, उसमें से पानी जो है ना कंटेंट मिल्क का वो इवेपोरेट हो गया, अभी मिल्क का गया ठीक, मिल्क बचा, मिल्क में मिल्क ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है, पानी का कंटेंट कम है, तो मिल्क क्या होगा, वो दही क्या होगा, गाढ़ा ठीक बनेगा। या कुछ बॉयल हो गया, बॉयल होने के बाद उसको कूल करते, नॉर्मल टेम्परेचर में, वार्म टेम्परेचर में कूल किए, हल्का कूल किए, अब उसमें क्या करते हैं, बैक्टीरिया स्टेन है ना, स्ट्रेप्टोकोकस और थर्मोफिलस, ये एक बैक्टीरिया का नाम है, इतना बड़ा ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा थोड़ा बड़ा है, इसे याद करने पड़ेगा, और लैक्टोबैसिलस देन ब्रुकी, ये दोनों बैक्टीरिया को डालते हैं आर्टिफिशियली, कितने रेशियो में, आधा आधे रेशियो में, मतलब 1:1 50 ग्राम ये डाले तो 50 ग्राम ये भी डाले ना, दोनों ये एक टाइप का बैक्टीरिया है और ये दूसरा लैक्टोबैसिलस, ये रॉड शेप है, ये रॉड शेप है, तो 1:1 शेप में प्रोपोर्शन में डाले। अब ये दोनों का फंक्शन क्या है, ये क्या काम करता है, लैक्टिक एसिड इज फॉर्मड ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस है ना, दैट मेक द प्रोटीन टू गेट और दैट गिव डेंस कंसिस्टेंसी टू द यागुर्ट। लैक्टिक एसिड क्या करता है, प्रोटीन को कोगुलेट करेगा, कंडेंस करेगा ना, और यागुर्ट बनेगा, और वो दूसरा वाला लैक्टोबैसिलस
क्या करता है वो, क्या करता है वो टेस्ट देता है ना। अब एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड लाइक कंपाउंड ऑफ फॉर्म ड्यू टू लैक्टोबैसिलस दैट गिव कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट टू द योगर्ट है ना। ये जो कंपाउंड बनता है वो क्या करता है टेस्ट देता है योगर्ट का। अब दही का टेस्ट थोड़ा खट्टा टाइप का रहता है, स्वाद टाइप का, और खुशबू आती है उसमें। ये किसकी वजह से? लैक्टोबैसिलस की वजह से आती है। क्लियर? हाँ, अभी क्या करें? अभी बोले कि भाई दही खाने का भी थोड़ा अपने को अलग जमता नहीं, नॉर्मल कुछ समझो अलग अलग करते, तो अलग क्या करते हैं उसमें वैनिला फ्लेवर, बनाना फ्लेवर है ना, और दूसरे फ्लेवर क्या मेन फ्रूट के वो डाल देते हैं। ये अलग अलग बनाना फ्लेवर है ये, और कोई दूसरा केसर डाल दिए या ड्राई फ्रूट डाल दिए या जो भी है वो सब चीज़ डाल दिए उसमें, उसका फ्लेवर चेंज हो गया। तो थोड़ा और मतलब आदत खाते करके आदत हो जाते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए है ना। तो ये सब चीज़ इसमें डालते हैं ताकि उसका हो जाए। शेल टाइप ऑफ यागुट एंड प्रोबायोटिक प्रॉपर्टी कैन बी इम्प्रूव बाय पैस्टराइजेशन। शेल टाइप ऑफ यागुट के अब यागुट ज्यादा दिन तक चले तो पैस्टराइजेशन इसीलिए स्टार्टिंग में किए थे ताकि दूसरे जो जर्म्स है वो मर जाए, जो हमारे लिए यूजफुल वही होता है चाहिए, लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस वही चाहिए था। इसका प्रोबायोटिक प्रॉपर्टी, अब ये प्रोबायोटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो कि हमारे एलिमेंट्री कनाल में ना, हमारे हमारे एलिमेंट्री कनाल में जो होता है डाइजेशन सिस्टम कैसे होता है, तो एंजाइम तो करती है डाइजेशन है ना, एंजाइम है एसीएल ये सब करती है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन में ना वो बैक्टीरिया होती है वहाँ पे, वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है, उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए रहता है ना, इसलिए वो बाहर ऊपर की तरफ नहीं आते क्योंकि ऊपर तरफ ऑक्सीजन होता है, तो वो नीचे की तरफ रहते हैं। वो एनएरोबिक कंडीशन में मतलब ऑक्सीजन लेस, ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे, वहाँ पे है ना वो बाकी खाना वहाँ पे जाके डाइजेस्ट हो जाता है, बाकी खाना वहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये जो है ना प्रोबायोटिक प्रॉपर्टी जो हमारे एलिमेंट्री कनाल का, और ये बैक्टीरिया कौन करता है हेल्प करता है, कौन लैक्टोबैसिलस ये सब क्या करता है हेल्प करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में, और दूसरे जो जर्म्स है उसको मारने में भी हेल्प करता है। उसको क्या बोलते हैं प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। किसका कट का? अब देखो पेट खराब है तो बोलते दही खाओ, आपके अम्मी अबू बोलते होंगे, दादा दादी नाना नानी, तो वो क्या है मालूम है उनको कि दही खाने से पेट अच्छा हो जाता है, लेकिन क्यों होता है अच्छा ये आपको मालूम है, आप उनको बताओ। ये उसके अंदर क्या होते हैं माइक्रोब्स होते हैं, ऐसे मतलब बैक्टीरिया होते हैं, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे, ये क्या बोले कीड़े होते हैं उसके अंदर, अरे ये कीड़ा कहाँ है बेको फैलगा, तो ऐसा बोलेंगे, बोले नहीं बैक्टीरिया होते हैं जो यूजफुल, आप उनको समझाना मुश्किल होगा, आप समझ लो कि है वो क्या बताना चाह रहे कि दही में फायदा क्यों होता है। तो आपको मालूम हो जाएगा कि दही में जो होता है वो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है उसके वजह से हमारे एलिमेंट्री कनाल में क्या होता है वो हेल्प करता है जाके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में। क्लियर? तो जाके बोलेंगे कीड़े होते हैं इसके अंदर, माइक्रोब्स होते हैं, बोले दादा दादी बोलेंगे क्या दिया से क्या पटाखे भेजे, कीड़े होते हैं इसके अंदर, क्या कीड़े। ठीक है बेटा, तो यागुट का प्रोडक्शन कर लिया हम लोग ये वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं इंशाल्लाह दूसरे प्रोडक्शन के लिए। इसी तरह ये चैप्टर में ऐसे यूज हो रहा है कि बैक्टीरिया और इसका कैसे कैसे यूज हो रहा है, कैसे कैसे यूज हो रहा है ये देखते रहते हैं हम लोग। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।